رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان रमज़ान का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में हर कोई इफ्तार के ज़रिए एक दूसरे से मिलने का और एक दूसरे से मुलाकात करने का बहाना ढूंढता है। ऐसे में इफ्तार पार्टी एक अच्छा मौका होता है जब सभी लोग एकत्रित होकर एक दूसरे से सुख दुख बांटते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला कालीना के वार्ड क्रमांक 85 में, जहां पर मोहम्मद रफीक ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस इफ्तार पार्टी में कांग्रेस की ओर से कई दिग्गज नेता यहां पर मौजूद थे। कृपा शंकर सिंह, नसीम खान सहित कई दिग्गज यहां पर मौजूद थे। असल में ये पाक महीना रमजान का, इसमें अल्लाह और बंदे के बीच में कोई दूरी नहीं रहती है। इतना पवित्र महीना आज रमजान के इस रोजा इफ्तार के मौके पर रफीक शेखपुर नगर सेवक ने आयोजित किया है। मुझे लगता है कि सब लोग मिलकर दुआ कर रहे हैं, हम लोग भी मिलकर दुआ कर रहे हैं कि हमारी हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी संस्कृति है, अल्लाह ताला की दुआ से हमेशा ऐसे हरा भरा बना रहे, भाईचारा बना रहे, देश खुशहाल रहे और इस देश की बेहतरी के लिए हम सब लोग दुआ करते हैं। लेकिन सबको करना चाहिए, इस मुल्क की एकता और अखंडता सबसे बड़ी ताकत है। जब जब देश की आज़ादी से लेकर आज तक ये देश जो तरक्की की राह पर आगे बढ़ा है, इस देश की राष्ट्रीय एकात्मता के बल पर बढ़ा है। तो ये सबने इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए ताकि इस देश की एकता और अखंडता मजबूत। दावती इफ्तार जो है ये आज मतलब बहुत सालों से चली आ रही है, 15-17 साल से जो है मैं ये इफ्तार का आयोजन करता हूँ और यहाँ पे हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर आते हैं और ये इस्लाम का जो पैगाम है, जो इस्लाम का संदेश है शांति, वो शांति का संदेश हमारे सब नेता देते हैं और अब आवाम भी ये चाहती है कि कांग्रेस जल्दी आए और देश बचाए। इसलिए जो है हर आदमी, हर इंसान आज भारत का, महाराष्ट्र का, मुंबई का चाहता है कि कांग्रेस आए और आज दावते इफ्तार में सब लोग आए, सब मिलजुल के कांग्रेस के नेता भी आए, आवाम भी आई, उलमा हजरात आए, सब लोगों ने मिल करके आज दावत इफ्तार किया गया, दुआ की गई हिंदुस्तान की शांति के लिए, अमन के लिए, चैन के लिए, गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे, इसके लिए दुआ किया गया। जहां एक ओर लोगों ने मोहम्मद रफीक के किए हुए इस कार्य की सराहना की तो वहीं दूसरी ओर वार्ड क्रमांक 85 के लोगों ने मोहम्मद रफीक का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम उनके क्षेत्र में आयोजित किया। जटाशंकर सिंह की रिपोर्ट। रमजान मेहरबान रमजान मेहरबान रमजान।